हिडिम्बा एक राक्षसी थी। उसने कसम खाई थी कि जो कोई उसके भाई हिडिम्ब को लड़ाई में हरा देगा वो उसी के साथ अपना विवाह करेगी। उस दौरान जब पांडव निर्वासन में थे तब दूसरे भाई भीम ने हिडिम्ब की यातनाओं और अत्याचारों से ग्रामीणों को बचाने के लिए उसे मार डाला और इस तरह महाबली भीम के साथ हिडिम्बा का विवाह हो गया। विवाह करने के बाद राक्षसी हिडिम्बा मानवी बन गई थी। भीम और हिडिम्बा का एक पुत्र घटोत्कच हुआ। जब उनका बेटा घटोत्कच बड़ा हुआ तो हिडिम्बा ने उसे सिंहासन पर बैठा दिया। अपनी माँ हिडिम्बा के आदेश पर न केवल महाभारत में पांडवों के पक्ष में लड़ा अपितु कर्ण के बाण से अर्जुन के प्राण की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। अपने पुत्र घटोत्कच के मरने के बाद दुखी हिडिम्बा अपनी राक्षसी पहचान मिटाने के लिए स्वयं तपस्या करने जंगल में चली गई। कई वर्षों के ध्यान के बाद उसकी तपस्या सफल हुई और उसे देवी होने का गौरव प्राप्त।